वेलकम स्टूडेंट माय नेम इज़ भारती सिंह सो आज हम अपनी ट्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई आज हम पढ़ेंगे अपनी वैदिक मैथ्स की ट्रिक नंबर एट ऑलराइट right. तो हम यहाँ किस ट्रिक की बात करेंगे अपनी ट्रिक नंबर एट की बात करेंगे देखो बेटा अब तक हमने अपनी सेवन ट्रिक्स पढ़ ली है सो आई होप आपने वो सेवन ट्रिक्स को थोड़ा बहुत अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई किया होगा मैथमेटिक्स के अंदर सो लेट्स मूव ऑन द फर्दर ट्रिक्स ऑल राइट तो आज स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक है कि किसी भी नंबर को डिवाइड एनी नंबर वे ट्वेंटी फाइव हम कितना भी टेक्निकल नंबर हो उस नंबर को डिवाइड ट्वेंटी फाइव से कैसे कर सकते हैं टेक्निकल नंबर से मतलब मेरा क्या है जैसे कोई नंबर है नाइन एट नाइन 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 उसको ट्वेंटी फाइव से डिवाइड कैसे कर सकते हैं हमारा आंसर हार्डली 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 इफ़ यू लर्न द टेबल्स टेन टू ट्वेल्व सेकेंड्स में आ सकता है इजेंटिड ठीक है सो so, हम यही चीज़ आज करके देखेंगे कि ऐसा है क्या ऐसा करने से कुछ है कुछ ऐसी चीज़ बनी है क्या कि अगर हम बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ टेन से ट्वेल्व सेकेंड में इतने ट्रिकी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर ले और हम इतने ट्रिकी नंबर्स की डिवाइड कर दें ट्वेंटी फ़ाइव से हम डिवाइड करके देख ले हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए ऐसा कुछ क्या बना है क्या ठीक है तो आज हम वही चीज़ सीखेंगे ठीक है एक बार मैं इसको पूरा रब कर देती हूँ ओके okay. सो so, यहाँ पर हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम्पल्स क्या कह रहे हैं भाई पहला एग्जाम्पल है कि किसी भी नंबर को ट्वेंटी फाइव से अगर डिवाइड करना होता है तो कैसे करते हैं ठीक है तो मैं आपको, आपको करके दिखाऊंगी और मैं उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगी दैट वाई वी यूज़ दैट पर्टिकुलर ट्रिक और राइट सो पहला क्वेश्चन है वन ज़ीरोट को आपको डिवाइड करना है ट्वेंटी फाइव से ऐसा कुछ है देखो हमें क्या करना है हमें ना कुछ नहीं करना है हमें ना वन जीरो एट को फ़ोर से करना है मल्टीप्लाई और हंड्रेड से कर देना डिवाइड अब आप बोलोगे मैम अभी आप हंड्रेड से डिवाइड करवा रही हो अरे तो हंड्रेड से डिवाइड करना तो बहुत ईजी है भाई पीछे से दो डिजिट देखो और उस पर जो आंसर है दो डिजिट बट पॉइंट लगा दो तो मैंने क्या बोला देखो जैसे एट फोर जो थर्टी टू का टू थ्री गया ऊपर थ्री का थ्री यहाँ पे आ जाएगा और फोर वन ज़ा फोर अब हम इसको हंड्रेड से डिवाइड करना मतलब कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा हमारा पीछे से दो डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा तो हमारा दो डिजिट के बाद पॉइंट आ गया एंड योर आंसर विल बी फोर पॉइंट थ्री टू तो आप अगर वन जीरो एट को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट ज़ आंसर और राइट तो ये आपको समझ आ रहा है हम लेते हैं अगला क्वेश्चन ठीक है अगले क्वेश्चन से लेके चलते हैं हम लोग ठीक है देखो भाई अगला क्वेश्चन लिया क्या है अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है अच्छा आप मुझसे बोलोगे मैम लॉजिक तो बता दो तो लॉजिक भी सुन लो कि क्या लॉजिक है ऐसा क्यों किया जाता है मैंने क्या करा मैंने उस नंबर को चार से मल्टीप्लाई करा और हंड्रेड से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या होता है सिंपल सी बात है मैंने क्या बोला नंबर लिखो चार से मल्टीप्लाई करो और हंड्रेड से डिवाइड कर दो वही वाली बात आ गई भाई इसको फोर को हंड्रेड से काटना फोर वन ज़ा फोर फोर ट्वेंटी फाइव ज़ा हंड्रेड आ गया ट्वेंटी फाइव तो वन जीरो एट को ट्वेंटी फाइव से काटोगे तब भी तो वही करोगे वही प्रोसेस तो कर रहे हो तो इसको हम इस टेक्निकल वे में ना लिखे थोड़ा सा ईजी वे में लिख के देख लेते हैं तो यही ईजी वे हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ जैसे मैंने बोला कि कोई नंबर है आपको जैसे आपने वन सिक्सटी एट दे रखा है सो वन सिक्सटी एट को भी आपको किससे डिवाइड करना है ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करना है अगेन यू हैव टू डू वॉट यू हैव टू डू वन सिक्सटी एट को मल्टीप्लाई बाई फोर एंड देन डिवाइडेड बाई हंड्रेड अगेन यू हैव टू डू वॉट मल्टीप्लाई करो एट फोर ज़र थर्टी टू का टू थ्री गया ऊपर सिक्स थ्री जा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर में थ्री प्लस करा सेवन ट्वेंटी सेवन आ जाएगा फोर वन ज़ा फोर और सिक्स तो ये डिवाइड थोड़ा ये जो मल्टीप्लाई करते हो इसको थोड़ा ध्यान से रखना फिर हंड्रेड से डिवाइड हंड्रेड से डिवाइड करोगे मतलब पीछे से दो डिजिट के बाद पॉइंट तो पीछे से दो डिजिट के बाद जब आप पॉइंट लो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा भाई सिक्स पॉइंट सेवन टू एंड दिस विल बी योर आंसर वन एग्जाम्पल अब यहाँ पे एट है ठीक है एट को हमें डिवाइड करना है किससे एट को हमें डिवाइड करना है ट्वेंटी फाइव से तो जब हम ऐसे वाला डिवाइड लेके बैठते हैं तो हम क्या करते हैं भाई वो घर बनाते हैं फिर पॉइंट लेके एट तो होएगा नहीं तो हम उसको एट ही बनाएंगे तो हाउ के एन डू इट ईजिली सो वही सेम प्रोसेस यू हैव टू एट को फोर से मल्टीप्लाई एंड देन हंड्रेड से डिवाइड ठीक है वही एट फोर जीरो थर्टी टू और नीचे हंड्रेड तो फिर कितना आ जाएगा पीछे से दो डिजी केवर्ड पॉइंट तो ज़ीरो पॉइंट थ्री टू विल बी योर आंसर ऑल राइट लेट्स टेक सम अनदर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो इतना बड़ा नंबर आ गया आप इसको कैसे करोगे थोड़ा सा टेक्निकल नंबर तो हमने कहा था हम सारे नंबर्स को लेके चलेंगे नंबर क्या है थ्री सिक्स फाइव सिक्स फाइव को डिवाइड करना है हमें ट्वेंटी फाइव से ठीक है ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करने के लिए सेम वही प्रोसेस फ़ोर से मल्टीप्लाई और हंड्रेड से डिवाइड अब फोर से मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस बहुत ध्यान से और गलती नहीं होनी चाहिए उसमें ठीक है तो मैं यहाँ पे कोई और कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ईजी रहे कैलकुलेशन करने में ठीक है जैसे मैं कोई यहाँ पे नंबर में कैरी लिखूँ तो ढंग से समझ आए जैसे फाइव फोर ज़र ट्वेंटी का जीरो टू गया ऊपर ठीक है सॉरी यहाँ नहीं आएगा बेटा यहाँ पे आएगा सिक्स के ऊपर ठीक है सिक्स फोर ज़र ट्वेंटी फोर में टू प्लस का ट्वेंटी सिक्स का टू टू गया ऊपर सिक्स यहाँ पे लिखा टू ऊपर लिखा फाइव फोर जैर ट्वेंटी ट्वेंटी में टू प्लस का ट्वेंटी टू का टू टू गया ऊपर फिर सिक्स फोर जैर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में टू प्लस का ट्वेंटी सिक्स का सिक्स टू गया ऊपर फिर थ्री फोर जो ट्वेल्व में टू प्लस करा फोर्टीन अब आपको क्या करना है अब आपको यही करना है पीछे से दो डिजिट के बाद आपको क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है पीछे से दो डेढ़ पॉइंट लगा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर जो है वो आ जाएगा वन फोर सिक्स टू पॉइंट सिक्स ज़ीरो क्या आप सोच सकते हो कि आप इतनी जल्दी इस नंबर के डिवाइड करके आप आंसर निकाल लो कैन यू हैव इमेजिन कि आप इतनी जल्दी इस नंबर को डिवाइड करो और आपका ये आंसर इतनी जल्दी आ जाए सो so, बेटा यही ट्रिक्स होते हैं इन्हीं ट्रिक्स को आपको पढ़ना पड़ता है उन्हीं ट्रिक्स को आपको समझना पड़ता है जैसे यहाँ पे हमारे पास एक और एक टेक्निकल नंबर है इस नंबर को ले लेते हैं हम लोग ठीक है इस नंबर को हमने ले लिया अगेन यू हैव टू डू वट नाइन 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 इसको आप फोर से मल्टीप्लाई करो और किससे डिवाइड कर दो हंड्रेड से अगेन यू हैव टू डू नाइन फोर ज़र थर्टी सिक्स का थ्री गया ऊपर फिर नाइन फोर ज़र थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में थ्री प्लस करोगे थर्टी नाइन का नाइन थ्री गया ऊपर फिर नाइन फोर ज़रा थर्टी सिक्स में थ्री प्लस करोगे थर्टी नाइन का नाइन थ्री गया ऊपर फिर नाइन फोर जो थर्टी सिक्स में थ्री प्लस कर दोगे थर्टी नाइन और उसको जब आप हंड्रेड से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जब हंड्रेड से करोगे पीछे से दो डिजिट के पॉइंट क्योंकि नीचे दो जीरो हैं तो ऊपर से दो डिजिट के बाद पॉइंट तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा यू हैव टू राइट द आंसर थ्री नाइन नाइन पॉइंट नाइन सिक्स सो दिस विल बी योर आंसर तो यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आपको ये टेक्निकल डिवाइड समझ में आई आई होप आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करोगे जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और दे देती हूँ ठीक है मान लो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए तो आप अब इनको आप करके देखोगे ठीक है लेट्स टेक सम क्वेश्चन जैसे मैं बोल रही हूँ आपको सिक्स थ्री टू थ्री फाइव को डिवाइड करना है ट्वेंटी फाइव से ठीक है मैं एक और दे रही हूँ नाइन सिक्स थ्री सिक्स फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है मैं एक और दे देती हूँ फोर एट थ्री एट सिक्स डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव अब आपको पता ही तो है ना कैसे करना है यू नो वेरी वेल यू हैव टू डू वॉट सबसे पहले क्या करोगे इस नंबर को सिक्स थ्री टू सिक्स थ्री टू थ्री फाइव को आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे और हंड्रेड से डिवाइड कर दोगे मैं क्यों बताऊँ सारे बाकी आप खुद करके देखेंगे जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको पूछेंगे टिल देन टेक केयर आपके लिए आज की इतनी ही ट्रिक ठीक है टिल देन बाय बाय